Now we are starting lesson number 17 of psychology 504, which is continued lecture of pattern recognition. इसमें हम गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन को पढ़ेंगे. इसमें ये कहते हैं कि चीज़ों को एज अ होल स्टडी किया जाना चाहिए. इसके पार्ट्स एक अलग चीज़ होते हैं. जैसे कि अब हम एक टायर को देखे तो नहीं कह सकते ना कि ये एक साइकिल है, टायर टायर है, साइकिल साइकिल है. तो यही कहते हैं कि एज अ होल एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और एज अ पार्ट उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग होती हैं. सो गेस्टाल्ट जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट था जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने 20th सेंचुरी में दिया था. ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. और आगे डायग्राम में देखें ठीक तरीके से समझ आ रही है. एक साइड पे साइकिल बनी हुई है वो हमें देख के पता चल रहा है कि होल साइकिल है. लेकिन अगर हम दूसरे पार्ट्स को देखें, अगर ये साइकिल यहाँ ना बनी हो, खाली वो पार्ट्स बने हों, तो हम कभी भी उसको देख के ये नहीं कह सकते कि ये एक साइकिल है. वो उसमें सर्कल्स हैं, स्टिक्स हैं, हैंडल है. वो हर चीज़ की प्रॉपर्टी है जो अलग है. अगर हमें साइकिल ना दिखाई गई हो तो हम ये सोचेंगे जो स्टिक है यहाँ वो किसी और मकसद के लिए यूज़ हो रही है. तो इसको हम अलग अलग जो है ना स्टडी करेंगे. और इसमें फिर एक बात और आती है कि एक इंसान जो है उसका देखने का हर चीज़ का जो नज़रिया है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान भी उस चीज़ को देखे वही सोचे. नेक्स्ट एक डायग्राम दी गई है. हाउ आर दी सर्कल्स ऑर्गेनाइज. इसमें ये सर्कल बने हुए हैं, ये देखिए आपके माइंड में क्या आएगा. कोई बंदा जो है वो सोच लेगा ये सर्कल बने हुए हैं. कोई ये देखेगा इसमें गैप कितना है, कोई ये देखेगा इसमें लाइंस कितनी हैं, कोई देखेगा हॉरिजेंटल कितनी है, वर्टिकल कितनी है. मतलब कि हर बंदा जो है वो एक डायग्राम को देख के अलग सोचता है. साथ ही आपको एक दूसरी डायग्राम दिखा दी गई है. हालांकि इसमें भी सर्कल उतने ही है, उतनी ही इसमें वर्टिकल लाइंस हैं, उतनी हॉरिजेंटल हैं. लेकिन हो सकता है ये देख के आपके जहन में फ़ौरन ये आए कि ऊपर जो था वो एक स्क्वायर फॉर्म थी और नीचे रिक्टेंगल फॉर्म है. लेकिन कोई हो सकता है कि ये सोच लें कि पहले वाले में जो है वो गैप कम था और सेकेंड वाले में जो है गैप बढ़ा दिया गया. मतलब हर जो पर्सन है वो डिफरेंट सोचता है. आगे एक और डायग्राम दी गई है. इसमें भी जो लोग हैं वो डिफरेंट ही सोचेंगे. किसी को ये यंग लेडी लगेगी, किसी को लगेगा ये फ्रंट पे देख रही है, किसी को लगेगा कि इसका नोज दूसरी साइड पे और साइड पे देख रही है. तो हर जो इंसान है इस पिक को देख के डिफरेंट ही जो सोच है अपने जहन में लेके आएगा. कोई सोचेगा इसने सर पे कैप ली हुई है, कोई सोचेगा नहीं ये इसके बाल हैं, कोई सोचेगा इसने शॉल ली हुई है. अब इससे जो नेक्स्ट वाली डायग्राम है इसमें ऐसे लगेगा कि जो साइड वाली लाइंस हैं वो और हैं, वो हाफ हाफ हैं, और दूसरी साइड पे और लाइंस हैं. लेकिन कुछ लोग समझेंगे कि इन लाइंस को सेंटर से कट किया हुआ है, इनके सेंटर में एक डायग्राम बन रही है. नेक्स्ट वाली पिक में ठीक पता चल रहा है वो कौन सी लाइन है और कैसे डायग्राम बन रही है. कुछ लोग जो हैं वो इसी पिक को इस तरह से परसीव करेंगे. आगे जो है वो बॉक्स में सिंपल लाइंस लगी हुई हैं. किसी ने सोचा होगा ये इंग्लिश की लाइंस हैं, किसी ने उर्दू की, किसी ने सोचा होगा बॉक्स के अंदर लाइंस हैं, और किसी ने खाली लाइंस देखी होंगी. तो मतलब हर बंदे ने जो है इसको डिफरेंट तरीके से परसीव किया, इसको डायग्राम को डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश की. अब जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें देखें फोर सर्कल सर्कल बने हुए हैं. जब हम फर्स्ट टाइम देखेंगे हमें यही समझ आएगा कि ये सर्कल सर्कल बने हुए हैं. इवन कि ये सर्कल नहीं है, सर्कल जो है वो पूरा गोल होता है, ये कट किए हुए हैं, तो हम इसे सर्कल नहीं कह सकते. लेकिन किसी को समझ आ गया होगा कि इसके सेंटर में जो है वो एक स्क्वायर शेप बन रही है. और हो सकता है किसी को ना समझ आया हो, वो सिर्फ यही देख रहा हो कि ये सिर्फ फोर जो है सर्कल सर्कल बने हुए हैं. नेक्स्ट जो डायग्राम है इसमें ठीक से समझ आ जाएगी कि इसमें स्क्वायर शेप कैसे बन रही है. अब जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें देखें फोर सर्कल सर्कल बने हुए हैं. जब हम फर्स्ट टाइम देखेंगे हमें यही समझ आएगा कि ये सर्कल सर्कल बने हुए हैं. इवन कि ये सर्कल नहीं है, सर्कल जो है वो पूरा गोल होता है, ये कट किए हुए हैं, तो हम इसे सर्कल नहीं कह सकते. लेकिन किसी को समझ आ गया होगा कि इसके सेंटर में जो है वो एक स्क्वायर शेप बन रही है. और हो सकता है किसी को ना समझ आया हो, वो सिर्फ यही देख रहा हो कि ये सिर्फ फोर जो है सर्कल सर्कल बने हुए हैं. नेक्स्ट जो डायग्राम है इसमें ठीक से समझ आ जाएगी कि इसमें स्क्वायर शेप कैसे बन रही है. इस डायग्राम में वो ये कह रहे हैं जो ऊपर वाली दोनों डायग्राम थी उनको लोग जो हैं वो इस तरह देख रहे थे. कोई जो हैं वो फुल सर्कल कंसीडर कर रहे थे, इवन के वो सर्कल नहीं थे, वो हाफ सर्कल थे. और कुछ जो हैं वो स्क्वायर सोच रहे थे और कुछ ये सोच रहे थे फोर सर्कल बन के बीच में स्क्वायर लगाया हुआ है. तो वो दोनों डायग्राम को मिलाए तो लोग जो हैं डिफरेंट जो लोग हैं उसको इस तरह से कंसीडर कर रहे थे. नेक्स्ट एक शेप दी हुई है जिसमें सर्कल बने हुए हैं और अंदर जो है वो ग्रे शेड किया हुआ है. तो आपको यही लगेगा कि ये सर्कल बने हुए हैं, अंदर ग्रे शेड किया हुआ है. नेक्स्ट डायग्राम देखें तो समझ आता है कि ये जो सर्कल है इनकी जगह चेंज की तो उसके सेंटर में जो है वो एक
रिक्टेंगल बन रहा है। थर्ड वाले में हमें प्रॉपर दिखाया गया कि सर्कल की जगह चेंज करने से कैसे रिक्टेंगल बन रहा है। हम यही कह रहे थे कि वो सर्कल थे और उनके अंदर रिक्टेंगल बन रहा था, लेकिन सर्कल तो कंप्लीट होता है, हम इसे सर्कल कह नहीं सकते। इसमें सिर्फ नीचे वाला सर्कल है, बाकी सारे जो हैं वो इसी तरह हाफ सर्कल हैं, और बीच में रिक्टेंगल जो है वो एक मेन चीज़ है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो देख के कोई तो ये समझेगा कि ये जो है ना हाफ ट्रायंगल है, बिकॉज वो काटे हुए हैं, लेकिन कोई समझ जाएगा कि ये जो है सिक्स शेप स्टार बन रहा है। अब इस डायग्राम में प्रॉपर स्टार बना के दिखाया गया है, वो डॉट्स को जब आपस में मिलाया गया तो ये बेसिकली एक सिक्स शेप जो है वो स्टार था, और लोगों ने इसको डिफरेंट तरीके से परसीव किया, डिफरेंट तरीके से समझा, जिसका जैसा माइंड था उसने वो वैसे ही ख्याल अपने जहन में लेके आया। तो ये यही कहते हैं, बस इस लेक्चर का यही मकसद था कि हर जो बंदा वो अलग सोचता है किसी चीज़ को देखकर।